गौतम अडानी एक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट इंडियन ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनका नाम बिलियनियर्स की लिस्ट में है, लेकिन बहुत लोग उन्हें नहीं जानते। उन्होंने कभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति की जगह भी हासिल की थी और कभी दूसरे नंबर तक भी पहुंच गए थे, लेकिन उनका ये उरूज किसी बड़े धोखे पर निर्मित होने का आरोप है। इसे सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कौन माना जा रहा है? ये हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है, जो एक प्रसिद्ध शॉर्ट सेलिंग फर्म है। उन्होंने निकोला मोटर्स कंपनी के ट्रेवर मिल्टन का फ्रॉड को एक्सपोज किया था। जब हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को ट्विटर थ्रेड के थ्रू ये खबर दी, तो एक दिन में ही अडानी की संपत्ति से $15 बिलियन कम हो गए। उनकी कंपनीज ने कुल मिलाकर $136 बिलियन का नुकसान उठाया है। लेकिन इन आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है? क्या गौतम अडानी सच में एक बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड के मास्टरमाइंड है? ये कहानी एक आपराधिक परिवार, नेपोटिज्म, स्टॉक और अकाउंटिंग फ्रॉड, राजनीतिक पक्षपात और इंडियन गवर्नमेंट और प्रसिद्ध बिलियनियर जॉर्ज सोरोस के बीच की झगड़े की है। जब पैंडेमिक ने दुनिया को हिट किया, तब गौतम अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति सिर्फ 10 बिलियन थी। सिर्फ 3 साल में अडानी ने अपनी संपत्ति में $100 बिलियन जोड़ दिए। फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार सितंबर 2022 तक उनकी नेटवर्थ $145 बिलियन थी। ये उन्हें दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बना देती है। लेकिन वो कौन है और उन्होंने दुनिया के बिलियनियर्स के उच्चतम स्टार तक कैसे पहुंचा? चलिए देखते हैं। गौतम अडानी का जन्म 1962 में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। वो गुजरात राज्य के एक शहर अहमदाबाद में जन्मे थे और उनके पास 4 भाई थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और मुंबई चले गए थे हीरे की ट्रेडिंग करने के। कुछ साल बाद 1981 में वो अपने घर राज्य गुजरात लौट आए थे। वहाँ उन्होंने अपने भाई की पैकेजिंग फैक्ट्री संभाली थी। ये छोटी सी घटना बाद में अडानी के ग्लोबल ट्रेडिंग तक का द्वार खोलेगी। उन्होंने अपना खुद का वेंचर 1988 में शुरू किया था, जिसे अडानी एक्सपोर्ट कहा जाता था। आज ही अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है, जो अडानी ग्रुप का फ्लैगशिप कंपनी। ये कंपनी जल्दी ही इंडिया की सबसे बड़ी कोल ट्रेडर और माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गई थी। 1990s की आर्थिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ने अडानी को विस्तार करने की अनुमति दी थी। उन्होंने मेटल्स, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग में अपना काम बढ़ा दिया था। 2 मुख्य वेंचर्स ने उन्हें इंडियन बिजनेस लैंडस्केप में स्थापित करने में मदद की। पहला हुआ था 1995 में, जब उन्होंने मुद्र पोर्ट को अधिग्रहित किया था। ये पोर्ट गुजरात में स्थित था और बाद में इसका नाम बदलकर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कर दिया गया था। ये पूरी इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन गया था। अडानी पावर की स्थापना 1996 में हुई थी। आज ये देश की सबसे बड़ी थर्मल पावर उत्पादक है। तब से अडानी ग्रुप ने अपनी ताकत बढ़ाई है और वो अब इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चरल मोगुल बन चुके हैं। अडानी ग्रुप 13 पोर्ट्स चलाता है और 7 एयरपोर्ट्स ऑपरेट करता है। उनके पास 6 कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं और वो एनर्जी सेक्टर के सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं। अडानी ग्रुप सोलर पैनल्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, एडिबल ऑयल का सबसे बड़ा आयातकार है और शहरों को गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। उन्होंने अपनी प्राइवेट रेल रोड्स और पावर लाइंस भी बनाई। हाल ही में उन्होंने डेटा सेंटर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, रियल एस्टेट, सीमेंट और मीडिया में अपना कदम बढ़ाया है। उनका विकास समय पर सही जगह हुआ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ाने की कोशिश की थी। ये उन्हें अच्छे पार्टनर्स बनाता है। लेकिन गौतम अडानी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच का रिश्ता हमेशा विवादित रहा है। दोनों गुजरात राज्य से हैं और उनका कनेक्शन मिस्टर मोदी के 1990s के स्टेट मिनिस्टर के दिनों से है। इंडिया के कई मीडिया आउटलेट्स ने सजेस्ट किया कि अडानी इसका बहुत फायदा उठा चुके हैं। 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने नेचुरल गैस इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट मूव किया था। अडानी ग्रुप इसका सबसे बड़ा विनर था। उन्होंने 126 बिड्स में से 25 बिड्स जीते थे। 2018 में 6 एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन ने आईब्रोज रेस की थी। अडानी ने सारे 6 लीजेंस जीते थे बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के। एक रात में वो इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स बन गए थे। ये क्लीन स्विफ्ट आउटरेज और क्रोनिज्म के आरोपों से भरा हुआ है। अडानी बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर आम था, लेकिन ये सब नहीं था। जब आप कंपनी को चलाने वाले इंडिविजुअल्स देखते हैं, तो चीजें शेडी लगती हैं। अडानी ग्रुप के फैमिली अफेयर्स रहे हैं, हालांकि वो वर्ल्ड वाइड 23,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। अडानी परिवार के 8 मेंबर्स 22% लीडरशिप टीम में शामिल। ये ग्रुप यूनिलेटरल डिसीजंस लेने के लिए जाना जाता है, जो अक्सर सीक्रेसी में श्राउडेड होता है। अडानी परिवार के मेंबर्स ग्रुप के अंदर लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। चेयरमैन गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को 2004 और 2006 के बीच एक डायमंड ट्रेडिंग स्कीम प्लान करने का आरोप लगा है। उन्होंने इलीगली ऑफशोर कंपनी को फेक किया था ताकि उनका
बिजनेस अच्छा दिखे, जबकि असल में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। उस समय राजेश अडानी अडानी एक्सपोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जो बाद में अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाने जाते थे। उन्हें कस्टम टैक्स इवेट करने, इम्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट फॉग करने और इलीगल इम्पोर्ट्स के लिए अरेस्ट किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि इन सब के बाद उन्हें उनकी कंपनी से निकाल दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें इन एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड मिला और राजेश को अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन मिली। अडानी ग्रुप बाद में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और एम्बेजलमेंट के मल्टीपल काउंट्स के लिए चार्ज किया गया था, जिसमें 17 बिलियन डॉलर्स टैक्स पेयर मनी शामिल थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रोक दी गई थी। आयरनिकली अडानी कंपनी के टैगलाइन है ग्रोथ विद गुडनेस, लेकिन ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि अडानी जल्द ही स्काई हाई मार्केट वैल्यूएशंस एंजॉय करने लगे थे। अडानी ग्रुप के पास 7 की पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं। 2020 से इन कंपनीज से स्टॉक प्राइसेस 250% से लेकर 4100, लेकिन यहाँ कुछ फिशी लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और कैपिटल इंसेंटिव कंपनीज का ग्रोथ स्लो होता है। हाँ, कोल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और गैस जैसे कमोडिटीज में प्राइसेस हाइक हुए थे, लेकिन उनकी एक कंपनी का 4100% इंक्रीज सुनने में क्रिप्टो करेंसी जैसा लगता है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डीलिंग फर्म। नाथन एंडरसन नाम का एक आदमी ये सब साइडलाइन से देख रहा था और उसको लगा कि कुछ सही नहीं है। उसने सोचा कि कंपनी का ग्रोथ इतना अनबिलीवेबल हो ही नहीं सकता बिना किसी फ्रॉड के। ये एक लॉजिकल हंच था क्योंकि अडानी के पीछे की मैनेजमेंट टीम क्लीन प्रूफ नहीं हो पाई थी। नाथन ने न्यूयॉर्क बेस्ड शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च स्थापित की थी। हिंडनबर्ग ने अडानी के डिटेल्स में गौर किया था। उन्होंने इनसाइडर्स और फॉर्मर एसोसिएट से बात की थी ताकि वो उनके खिलाफ केस बिल्ड कर सके। जब उनके पास केस था तो सिर्फ एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स ने नाथन और उसकी कंपनी ने अडानी एम्पायर को गिराने का काम शुरू कर दिया था। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने ट्विटर अकाउंट से अडानी पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन, ओवरवैल्यूएशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है, जो कि कई दशकों से चल रहा है। उन्होंने इसे इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड कहा। हिंडनबर्ग का दावा है कि अडानी परिवार ने एक कॉम्प्लेक्स स्कीम बनाई थी। इसमें ऑफशोर शेल कंपनी सेटअप करने और कैश राउंड ट्रिपिंग करके आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइसेस इन्फ्लेट करने का काम था। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये आरोप अभी तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हुए हैं। हिंडनबर्ग को स्टॉक प्राइस कोलैप्स से फायदा होता है क्योंकि वो शॉर्ट सेल करते हैं। इसका मतलब है कि जब वो स्टॉक प्राइस गिरने के लिए बेट करते हैं तब उन्हें पैसा मिलता है। तो हर चीज को एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना। अडानी मैनेजमेंट अपने स्टॉक का 75% होल्ड करती है। इसका मतलब है कि टेक्निकली वो सप्लाई कंट्रोल कर सकती है और प्राइस मैनिपुलेट कर सकती है अगर उन्हें चाहिए। इंडियन रेगुलेशंस के अनुसार अडानी के 4 लिस्टेड कंपनीज देश के फाइनेंशियल रूल्स तोड़ने की कगार पर है, लेकिन यहाँ और भी बुरा हाल है। एलिग्ली, मॉरिटियस और साइप्रस जैसे टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शन में लार्ज ऑफशोर कंपनीज हैं और इन शेडी कंपनीज के पास अडानी शेयर्स हैं। हिंडनबर्ग ने इन कंपनीज को स्टॉक पार्किंग एंटिटीज लेबल दिए हैं। एक ऐसी कंपनी है मोंटेरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। ये कंपनी 5 एंटिटीज कंट्रोल करती है और उसमें कलेक्टिवली अडानी ग्रुप में 4.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी एक मिस्टीरियस रोल प्ले करते हैं ग्रुप में। इंडियन मीडिया के अनुसार वो पानामा पेपर्स में आए थे कुछ साल पहले। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पाया कि उन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ कम से कम 38 मॉरिटियस बेस्ड शेल कंपनी सेटअप की थी। एक अलग फोर्ब्स आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि विनोद द्वारा कंट्रोल किए गए एक सिंगापुरियन एंटिटी ने रशियन बैंक से 240 मिलियन डॉलर्स का लोन लिया था और अडानी ग्रुप ने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अपने ट्विटर अकाउंट से अडानी पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन, ओवरवैल्यूएशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है, जो कि कई दशकों से चल रहा है। उन्होंने इसे इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड कहा। हिंडनबर्ग का दावा है कि अडानी परिवार ने एक कॉम्प्लेक्स स्कीम बनाई थी। इसमें ऑफशोर शेल कंपनीज सेटअप करने और कैश राउंड ट्रिपिंग करके आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइसेस इन्फ्लेट करने का काम था। अडानी ग्रुप में स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप पुराने नहीं है। ग्रुप को पिछले 2 दशकों में अनेक स्टॉक रैगिंग स्कैम्स में शामिल होने का आरोप लगा है और उन पर 60 रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। 1999 से 2001 तक अडानी ने इंडियन के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैंडल्स में भाग लिया था, जिसे बैर्नी मैडॉफ स्कैंडल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका मास्टरमाइंड एक स्टॉक ब्रोकर था जिसका नाम केतन पारेख था और अडानी उनके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स में से एक थे। अडानी ग्रुप की प्राइवेट कंपनीज को सिक्योरिटीज डील करने से 2 साल के लिए रोक दिया गया था और उन पर एडिंग एंड अबैटिंग पारिक एंड हिज स्कीम के आरोप लगे थे। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी एक मिस्टीरियस रोल प्ले करते हैं ग्रुप में। इंडियन मीडिया के अनुसार वो पानामा पेपर्स में आए थे कुछ साल पहले। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पाया कि उन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ कम से कम 38 मिराटीज
बेस्ड शेल कंपनी सेटअप की थी। एक अलग फोर्ब्स आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि विनोद द्वारा कंट्रोल किए गए एक सिंगापुरियन एंटिटी ने रशियन बैंक से 240 बिलियन डॉलर्स का लोन लिया और अडानी ग्रुप ने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी। दुनिया भर की कुछ गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट फंड को मैंडेट करते हैं कि वो अपना पैसा ESG कॉजेज में इन्वेस्ट करें। अब अडानी ग्रीन एनर्जी का प्राइस स्काई रॉकेट कर रहा था तो इसमें इन्वेस्ट करना एक नो ब्रेनर था। सच में 500 ESG फंड्स ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था अपने मैंडेट्स मीट करने के लिए। अडानी ग्रुप में स्टॉक सिर्फ 10% पब्लिकली ट्रेडेड है। ये फेक कंपनीज और 75% स्टॉक ओनरशिप का कॉम्बिनेशन मतलब है कि डिमांड को पंप अप किया जा सकता है और अडानी परिवार को एक अच्छा पेपर वेल्थ पे आउट मिल सकता है। हिंडनबर्ग का दावा है कि ये ऑफशोर फंड्स इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो एलिगली वो अपने ओन स्टॉक को फेक कंपनीज के साथ बाय कर रहे हैं प्राइस बढ़ाने के लिए और अकाउंटिंग फ्रॉड में भूमिका निभा रहे हैं। अडानी ग्रुप को स्टॉक मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होने का आरोप पुराना नहीं है। ग्रुप के पिछले 2 दशकों में अनेक स्टॉक रैकिंग स्कैम्स में शामिल होने का आरोप लगा है और उन पर 60 रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस हुई है। अडानी ग्रुप के प्राइवेट कंपनीज को सिक्योरिटीज डील करने से 2 साल के लिए रोक दिया गया था और उन पर एडिंग और अबेटिंग पारिक एंड इस स्कीम के आरोप लगे थे। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी एक मिस्टीरियस रोल प्ले करते हैं ग्रुप में। इंडियन मीडिया के अनुसार वो पानामा पेपर्स में आए थे कुछ साल पहले। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पाया कि उन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ कम से कम 38 मिलिटरीज बेस्ड शेल कंपनी सेटअप की थी। ये अलग फोर्ब्स आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि विनोद द्वारा कंट्रोल किए गए एक सिंगापुरियन एंटिटी ने रशियन बैंक से 240 मिलियन डॉलर्स का लोन लिया था और अडानी ग्रुप ने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अपने ट्विटर अकाउंट से अडानी पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन, ओवरवैल्यूएशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है जो कि कई दशकों से चल रहा है। उन्होंने इसे इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड कहा। हिंडनबर्ग का दावा है कि अडानी परिवार ने एक कॉम्प्लेक्स स्कीम बनाई थी जिसमें ऑफशोर शेल कंपनी सेटअप करने और कैश राउंड ट्रैपिंग करके आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइसेस इन्फ्लेट करने का काम था। अडानी ग्रुप में स्टॉक सिर्फ 10% पब्लिकली ट्रेडेड है। ये फेक कंपनीज और 75 स्टॉक ओनरशिप का कॉम्बिनेशन मतलब है कि डिमांड को पंप अप किया जा सकता है और अडानी परिवार को एक अच्छा पेपर वेल्थ पे आउट मिल सकता है। हिंडनबर्ग का दावा है कि ये ऑफशोर फंड्स इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो एलिगली वो अपने ओन स्टॉक को फेक कंपनी के साथ बाय कर रहे हैं प्राइस बढ़ाने के लिए और अकाउंटिंग फ्रॉड में भूमिका निभा रहे हैं। अडानी ग्रुप को स्टॉक मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होने का आरोप पुराना नहीं है। ग्रुप को पिछले 2 दशकों में अनेक स्टॉक स्कैम्स में शामिल होने का आरोप लगा है। उन पर 60 रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। अडानी ग्रुप को प्राइवेट कंपनीज को सिक्योरिटीज डील करने से 2 साल के लिए रोक दिया गया था और उन पर एडिंग और अबेटिंग पारिक एंड हिज स्कीम के आरोप लगे थे। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी एक मिस्टीरियस रोल प्ले करते हैं ग्रुप में। इंडियन मीडिया के अनुसार वो पानामा पेपर्स में आए थे कुछ साल पहले। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पाया कि उन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ कम से कम 38 मिलिटरीज बेस्ड शेल कंपनी सेटअप की थी। ये अलग फोर्ब्स आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि विनोद द्वारा कंट्रोल किए गए एक सिंगापुरियन एंटिटी ने रशियन बैंक से 240 मिलियन डॉलर्स का लोन लिया था और अडानी ग्रुप ने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट के एंड में अडानी ग्रुप से कुछ सवाल पूछे। अडानी ग्रुप ने 413 पेजेस की एक रिबेचुअल रिलीज की थी जिसमें उन्होंने सारे आरोप डिनाई किए और कहा कि ये रिपोर्ट एक कैलकुलेटेड अटैक है इंडिया की इकोनॉमी पर। मार्केट ने इसका सपोर्ट नहीं किया और स्टॉक कंटिन्यू गिरते रहे। हिंडनबर्ग ने काउंटर किया कि अडानी ने बहुत सारे सवाल डॉक किए हैं और कहा कि अडानी की रिबेचुअल में ओरिजिनल एलिगेशन के कुछ पार्ट्स कंफर्म होते हैं। फिर अचानक से 92 इयर्स के इनफेमस बिलियनेयर कॉर्क सोरस ने कुछ तीखी टिप्पणी की। उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये बात उन्होंने कहा था कि अडानी के खिलाफ एलिगेशंस इंडिया में डेमोक्रेटिक रिवाइवल शुरू कर देंगे। इंडिया के सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने सोरस पर अग्रेसिव अटैक किया और इंडियंस को बड़े नंबर्स में यूनाइट होने का मैसेज दिया। एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने सोरस को ओल्ड, रिच, ओपिनियनेटेड और डेंजरस कहा। उन्होंने उन्हें इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के आरोप लगाया। इस समय इंडिया सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो पॉसिबल इररेगुलरिटीज को भी देख रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक से उनके एक्सपोजर को अडानी ग्रुप से डिटेल्स प्रोवाइड करने को कहा है। ग्लोबल बैंकर्स जैसे क्रेडिट सूसे और सिटी ग्रुप ने अडानी बॉन्ड्स को कोलेट्रल के रूप में एक्सेप्ट करने बंद कर दिया है मार्जिन लोन्स के लिए। वहीं अडानी अपनी सस्पेंडिंग कट करने का प्लान बना रहा है और अपने फाइनेंसेस ऑर्डर में लाने का सोच रहा है। ये फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए है। हम देखना चाहते हैं कि ये काम करता है या नहीं और हमें इंडियन इन्वेस्टिगेशंस का कंक्लूजन देखना होगा और ऑफ कोर्स कोर्ट के डिसीजन डिटरमाइन करेगा कि अडानी पर लॉन्ग टर्म डैमेज कितना सर्व होगा। लेकिन ये कहना जरूरी है कि अडानी ग्रुप एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच क्लोज टाइज देखते हुए
इन्वेस्टिगेशंस उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती जितनी हम चाहते हैं। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अडानी एक रफ टाइम से गुजर रहा है। अडानी ग्रुप का रैपिड एक्सपेंशन रीसेंट ईयर्स में इंडिया के ग्रोथ के पैरेलल चला। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रुप्स इकोनॉमिक पावर इंडिया के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर सकता है। शायद वो पोस्ट वॉर साउथ कोरिया के केबल फैमिलीज का पेज लेना चाहते हैं। लेकिन इस टाइप का मोनोपोली कॉम्पिटिशन को स्टाइफाई कर सकता है और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ला सकता है। अडानी का डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस इंडियन इकोनॉमी पर कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस ला सकती है। तो जब सब कुछ कहा जा चुका है तो एक सवाल रहता है, और ये सवाल हमें पूछना चाहिए, क्या हिंडनबर्ग रिसर्च के एक्शंस लीगल और एथिकल थे? मार्क हम्फ्री जेनर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स इन ऑस्ट्रेलिया का एसोसिएट फाइनेंस प्रोफेसर है, ने इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। मार्क ने भी बताया था कि अडानी से 400 पेज रेबुटल एक पुराना लीगल टैटिक था। बेसिकली कंपनी ओवरशेयर इंफॉर्मेशन करती है जिसमें बहुत सारे इररिलेवेंट पॉइंट्स होते हैं ताकि अटेंशन डिफ्लेक्ट हो और इन्वेस्टिगेटर्स को इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन से बॉक डाउन कर सके। उन्होंने बताया था कि एग्जैक्टली वही था जो FTX ने किया था। तो आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम डोगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं, और मैं जल्द ही अगले एपिसोड के लिए आपसे फिर मिलूंगा। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।